तो फिर अब इस सब के बाद आपकी क्या राय है असरा के केस के बारे में? मैम आप फिक्र नहीं करें, इस सब के बाद केस हमारा और भी स्ट्रांग हो गया है। मैं भी सर को बता रही थी कि हम इस केस के ऊपर एक और केस फाइल करेंगे। कैसा केस? अम्मा, वकील साहबा का ख्याल है कि हमें इस केस के साथ सेपरेशन में जो मुलाकात का ऑप्शन है ना, उसको चैलेंज करना चाहिए। अम्मा, बिकॉज वी आर नॉट कंफर्टेबल कि असरा उससे मिले और किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट रखे उसके साथ। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। क्या ऐसा मुमकिन है? मैं तो खुद भी यही चाहूंगी इस सब के बाद के असरा सुल्तान से हरगिज ना मिले। नशे में धुत शख्स किसी भी रिश्ते का क्या मान रखेगा? गजब खुदा का, अपने ही पेज पे अपनी फहाशी की वीडियो अपलोड कर दी। इतना बेबाक, इतना बेशरम। बेशर्मी और बेबाकी कभी कभी इंसान को खाक में मिलाने के लिए काफी होती है। जहीन से जहीन इंसान की मिम्मत गुस्से में मर जाती है। यकीनन उसने ये गुस्से में किया होगा हमें बताने के लिए कि मैं ऐसा ही हूं, ऐसा ही रहूंगा। और देख लेना कि हमारी बहन वापस आएगी मेरे पास। जब वो हमारी छत के नीचे उसे सुकून ना दे रहा हो, अपनी सोचों में गिरफ्तार किए हो, तो सोचो जरा अपनी छत के नीचे उसके साथ क्या सलूक किया होगा। इसीलिए तो हवास खो बैठी थी मेरी बहन। बस ये समझे कि कुदरत हमारा साथ दे रही है। मानो शख्स की क्लेवरनेस ने इस केस को फंसा के रख दिया था। ठीक है, तो फिर आप लग जाएं काम पर। थैंक यू। कर कीजिए। ओके, थैंक यू। हाफिज़। हाफिज़। बाय।